हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बेल आइकन जाके दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी इमीडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा और देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटिव चार्जिंग और इंडक्टिव चार्जिंग। सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन को समझने वाले हैं। इसमें जितना हो सके उतना मैं आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल पर समझाऊंगा। DSO से भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी को चेक करना है। अभी तक आपने YouTube पर नहीं देखा होगा किसी ने भी DSO के साथ चार्जिंग सेक्शन को आपको बताया है। अभी जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमारे कोर्स के कंटेंट का एक ट्रेलर है, समझ लीजिए आप। अभी जो लेवल पे आपको हम सिखा रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जगह पे जा रहे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही, आधी अधूरी नॉलेज मिल रही। जी हाँ फ्रेंड्स, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है बहुत खतरनाक होती है, जिसमें आप ऐसा फंस जाओगे खुद के ही काम से, ना तो आप उससे बाहर निकल पाओगे ना तो आप पीछे आ पाओगे। क्योंकि कस्टमर जब आपको सेट देगा, जिस कंडीशन में कस्टमर ने आपको सेट दिया है, अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए, कम से कम सेम कंडीशन में आपको सेट को देना है। फोन फिक्स हैदराबाद में आपको डायग्राम के साथ साथ सर्किट की नॉलेज, DSO की पूरी जानकारी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है उतना ज्यादा इस्तेमाल DSO का मार्केट में बताते नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनको पता है कि हम उनको क्या क्या चीजें DSO से बताते हैं, और हर सेक्शन में DSO का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, DSO का इस्तेमाल मैक्सिमम हर सेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको चेक करने आना चाहिए। तो आपने देखा कैपेसिटिव चार्जिंग और इंडक्टिव चार्जिंग, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपने देखा होगा चार्जिंग सेक्शन में एक बक कॉइल लगा होता है, जिसको हम चार्जिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो वहां पे अगर आपने देखा होगा 4 वोल्ट आपका VPH का जनरेट कराया जाता है VBUS का वोल्टेज इनपुट दे करके। जैसे आप चार्जर लगाते हैं तो VPH आपका जनरेट हो जाता है और वही वोल्टेज वापस IC में ड्राइव होता है, और बैट FET के नाम से एक चार्जिंग IC के अंदर एक MOSFET होता है, वहां से वो आउट होकर के VBAT पे वोल्टेज मिलता है। लेकिन ये वोल्टेज अलग अलग चिपसेट के हिसाब से होता है। Qualcomm में कुछ अलग तरीके से काम करेगा, MTK में कुछ अलग तरीके से काम करेगा। अभी मैं फिलहाल आपको एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ। अच्छे से आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कहीं पर भी सीखिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास एक डीप लेवल पे नॉलेज दी जाती है तो आप फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, आजकल मोबाइल की जो ट्रेनिंग है इसको लोगों ने मजाक बना दिया है। कोई 5,000 में सिखा रहा है, कोई 10,000 में सिखा रहा है, कोई यूट्यूब पर फ्री सिखा रहा है, मतलब किसी का कंटेंट ले रहे हैं, जितनी नॉलेज है उसमें अपना एड ऑन करके गलत सलत करके बताया जा रहा है, और स्टूडेंट जो है, जो वो टेक्नीशियन भाई है, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनका काम सक्सेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ऐसे मार्केट में काफी सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं पिछले साल से, अगर आप कंपेयर करेंगे हजारों इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट है उनको तो पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, वो सिर्फ यही देखेंगे कि कहाँ पे कम फीस है, नजदीक हमको कहाँ पे पड़ता है, या फिर ये देखेंगे कि 50-60 बच्चे कहाँ पे बैठ के हैं। दोस्तों, 50-60 स्टूडेंट के बीच में अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपका वहां पे कुछ होने वाला है नहीं। बाकी आपकी अगर कैचिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप हजारों में से भी आप निकाल सकते हैं, कैच कर सकते हैं टीचर क्या बता रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ पे सिर्फ 15 से 20 स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, जहां पे हम एडवांस लेवल पे नॉलेज देते हैं, बाकी आपकी मर्जी है कहीं पे भी जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपने देखा, एक कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर्स को लेकर के चार्जिंग सर्किट बनाया जाता है, और इंडक्टिव माने एक कॉइल को लेकर के, मतलब कैपेसिटर्स तो होते ही है, एक IC भी होता है, दोनों में IC का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम DC to DC कहते हैं, जिसको हम चार्जिंग AC भी कहते हैं। तो कॉइल में कुछ डिफरेंस है और इंडक्टिव में डिफरेंस है, दोनों कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मैं यही बात क्लियर कर देता हूं आपको, जो कैपेसिटिव चार्जिंग होती है ये कभी भी प्राइमरी चार्जिंग नहीं होगी आपकी, ये हमेशा टर्बो चार्जिंग होगी, या तो फिर सेकेंडरी चार्जिंग होगी, या तो फिर जो तीसरी चार्जिंग AC लगाई जा रही है वो चार्जिंग AC होगी। अब सबसे पहले कैपेसिटिव की ही बात कर लेते हैं। कैपेसिटिव चार्जिंग जो IC होती है हमारी, जो सर्किट होता है, वो हम टर्बो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट चार्जिंग के लिए। मेन चार्जिंग AC आपकी दूसरी होगी, जो कि आपकी इंडक्टिव यानी कॉइल वाली होगी। लेकिन जो कैपेसिटिव चार्जिंग सेक्शन होता है वो टर्बो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सपोर्टिंग चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कैपेसिटिव चार्जिंग नहीं होगा तो अभी लेटेस्ट के सेटों में आपको MOSFET देखने को मिल रहे हैं।
जैसा आप मैं अभी यहाँ पे आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि एक सिंगल मोसफेट का इस्तेमाल किया जा रहा है टर्बो चार्जिंग के लिए, मतलब फास्ट चार्जिंग करवाने के लिए, या फिर अगर एक मोसफेट यूज नहीं करेंगे तो दो मोसफेट, नहीं तो चार चार मोसफेट का इस्तेमाल करके वो वोल्टेज जो आउट होता है वो वीपीएच में दे रहे हैं या तो फिर वीबैट पे, यानी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए दे रहे हैं। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, कौन से सर्किट में है, मैं अभी यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा। सारा चीज मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ और मैंने डाटा बनाया वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक वीडियो को बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है, दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं डायग्राम बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने के लिए या सर्किट को समझाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। दोस्तों मार्केट में 10 दिन 15 दिन का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन 10 दिन का कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता कि ऑनलाइन में बच्चे कैसे सीख पाते हैं। हमारे यहाँ पे तीन तीन दिन चार्जिंग सेक्शन चलता है, तीन दिन पावर सेक्शन चलता है, चार दिन डेड सेक्शन चलता है, पूरा 20 दिन हम इनको 10 घंटा पढ़ाते हैं, तब जाकर हमारे पास स्टूडेंट कुछ अच्छे लेवल पे जाकर काम करते हैं। उसके बाद भी हम उनको एक घंटा उनको बैकअप क्लास देते हैं, उनको वीडियोस देते हैं, उनको डाटा शीट देते हैं, उनको सर्किट ड्रॉ कराते हैं रात में 2-2 बजे तक। इसके बाद स्टूडेंट काम करते हैं। पता नहीं आपका 10 दिन में 5,000 रुपए का कोर्स ले रहे हैं आप, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या फिर एक 15 दिन के लिए ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं या ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ होने वाला है नहीं, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है और आप नेगेटिव हो जाओगे इसमें। कहीं पे भी जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट को जाइए, अच्छे से सीखिए, एक ट्रेनर के साथ बैठ के सीखिए जो सालों से बच्चों को सिखा रहे हैं या सालों से वो काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रेनर्स के साथ जा करके आप काम सीखिए। ऑनलाइन में आपके कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप ऑनलाइन अगर से हार्डवेयर का काम बिल्कुल नहीं सीख सकते, सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको लैपटॉप में सारी चीजें देखनी होती हैं, उसके वीडियोस आपको मिलते हैं, सेम तरीके से आपको काम करना होता है। लेकिन हार्डवेयर के लिए, हैंड स्किल के लिए, चेकिंग मेथड के लिए कहाँ पे क्या चीजें होती है, सारा चीज किसी एक टीचर के साथ एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के पास जाकर के आप सीखिए। बाकी फोन फिक्स आना है तो आप आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, कैपेसिटिव चार्जिंग सेकेंडरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है और जो हमारा इंडक्टिव चार्जिंग होता है वो मेन चार्जिंग ऐसी होती है। तो आज हम इसमें यही देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पर और मैं आपको लाइव चेक करके भी बताऊंगा DSOC के फ्रिक्वेंसी आपको कहां कहां पे चेक करना है। ये वीडियो में मैं आपको जितना बनता है उतना बता रहा हूं। हालांकि चार्जिंग सेक्शन को हम 3 दिन तक बताते हैं स्टूडेंट को क्लास में। बहुत कुछ होती है, बहुत सारी लाइनें होती हैं, जैसे बैटरी आईडी लाइन हो गई या यूएसबी आईडी या डीएम डीपी की लाइन हो गई या इसमें चार्जिंग स्टेटस की लाइन हो गई या टीएस थर्मल सेंसिंग की लाइन हो गई या चार्जिंग इनेबल हो गया या फिर वीआरएबी वीआरबी की लाइन हो गई, बहुत सारी बूट पावर की लाइन हो गई, बहुत सारी लाइनें होती हैं इसमें। बस इसमें मैं आपको एक मैक्सिमम कोशिश करता हूँ समझाने की। हालांकि सेंसिंग लाइनें बहुत सारी है, करंट सेंस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की, वीबैट सेंस की भी पॉजिटिव नेगेटिव लाइनें होती है, बैड सेंस आई सेंस की लाइनें होती है। चार्जिंग सेक्शन को समझने के लिए दोस्तों ये एक वीडियो में काफ़ी नहीं है, उतना वीडियो बनाने के लिए बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटा चला जाएगा। बट मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से बनता है उतना समझाने की। एक शर्त है, आप स्किप करके मत देखिए, अगर आप स्किप करेंगे वीडियो तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, ये बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनता है, अच्छा लगा वीडियो तो जरूर नीचे अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइए। आप जितने कमेंट्स करेंगे, जितने लाइक करेंगे, उतने ही हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हजारों चार्जिंग ऐसियां हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट है, टाइप सी हो गया या नॉर्मल हमारा 3500 का चार्जिंग, 5 पिन का चार्जिंग है, बहुत सारे लाइनें होती हैं उसमें, कौन सी लाइन से क्या प्रॉब्लम होता है अगर आप जानना चाहते हैं, CC1 CC2 हो गया कैसे काम करता है, DMDP कैसे काम करती है, USB ID कैसे काम करती है, VBUS की लाइन कैसे काम करती है, सारा चीज OTG कैसे काम करता है, ये सारे टॉपिक्स में अगर आगे लेकर आऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करते हैं। तो हम ये जो ट्रेलर दे रहे हैं हमारे कोर्स का जो हम सिखाते हैं 20 दिन में, ये वीडियो उसका एक ट्रेलर समझ लीजिए आप। अगर अच्छा लगा तो जरूर एक 2 अल्फाज नीचे जरूर लिखना कि फोनफिक्स हैदराबाद के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, तो हम और भी कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने की। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की ओर, बिल्कुल स्किप करे बगैर पूरा वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इससे बेनिफिट हो सके। आप सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, हमको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास ही हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप फ्री टाइम निकाल करके देख लीजिए, जरूर और जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने मिला तो कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की ओर। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव चार्जिंग को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक हमारा एक टिपिकल ब्लॉक डायग्राम है, IC के इंटरनल फंक्शन है इसमें।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अडेप्टर होता है हमारा, जिसको हम एसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका मेन कनेक्टर है टाइप सी का, जो भी चार्जिंग कनेक्टर है आपका। और होस्ट का मतलब होता है आपका जो सीपीयू होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप कनेक्टर पे देखेंगे, अगर टाइप सी का है तो उसमें आपको यही सारी लाइनें काम करने वाली है। हालांकि इसमें ग्राउंड पिन उन्होंने ड्रॉ नहीं की है। तो वी बस का जो 5 वोल्ट है हमारा सब बोर्ड से मेन बोर्ड में आता है, उसके बाद आईसी में ये इन हो जाता है, एक तो सेंसिंग के लिए और जो है एक वी बस इन के नाम से आईसी में इन हो जाता है। यहाँ पे आपको दो तरह के सर्किट यहाँ पे बताए गए, एक है इंडक्टिव कॉइल और एक है कैपेसिटिव चार्जिंग सेक्शन, इसको हम चार्ज पंप या फिर फ्लाइंग कैप के थ्रू भी इसको जाना जाता है, फ्लाइंग कैप भी बोलते हैं, चार्ज पंप भी बोलते हैं। तो ये है हमारा कैपेसिटिव चार्जिंग सेक्शन और ये हमारा इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीएम डीपी और CC1 CC2, जिसको हम यूएसबी आईडी लाइन बोलते हैं, और ये एक हमारी वीबस लाइन। ये सारों में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज के आसपास मिल जाएगा। अगर डीएम डीपी पे देखोगे आप तो 0.6 के आसपास वोल्टेज मिल जाएगा, और जब आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे 0.6 से हट करके आपको 2.8 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 2 वोल्ट के आसपास। और CC1 CC2 में अगर आप देखोगे नॉर्मली 0.6 के आसपास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉइल लगकर है, जैसा आप देख सकते हैं, जिसको हम VPH कॉइल भी बोलते हैं या फिर आप चार्जिंग कॉइल बोलते हैं। तो ये एक हमारा बक कॉइल होता है, जहाँ पे एक सिरा इसका स्विचिंग के साइड कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा एक BTST कैप के साथ कनेक्ट होता है। इसके अलावा इसी में से जो वोल्टेज यहाँ से आउट होते हैं, जो बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं, तो ये वोल्टेज जाने से पहले यहाँ से वापस आईसी में एक बैट FET करके एक आपको MOSFET मिलेगा, और उसके MOSFET के सोर्स से आउट होकर के बैटरी पे आता है। तो तब आएगा ये जब इसके गेट पे हमको वोल्टेज देना पड़ेगा, और ड्रेन में जो है आपको ये VBAT का VPH का वोल्टेज इन होता है। तो इसके गेट ओपन कैसे होगा, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और कैपेसिटिव में यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक टिपिकल डायग्राम है, शायद हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक कैपेसिटिव जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है यहाँ पे हमने बना के रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं मॉडल मेंशन नहीं किया हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, सेम डायग्राम खोलेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, सेम उसी तरह का वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैं आपको आजकल स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वीबस का वोल्टेज इन होने के बाद, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी VPH का कॉइल आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैप्स लग के सारे फ्लाइंग कैप लग के हैं। और ये जो सर्किट हमारा चार्ज पंप सर्किट है, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज, जैसे CFH यानी हाई, CFL यानी लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों यहाँ पे मिलेंगे। लो में आपको 2 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा, हाई में 3 to 4 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट है, और ये ऐसी सेकेंडरी ऐसी होता है, ऑलवेज यूज फॉर सेकेंडरी और टर्बो या फिर क्विक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ऐसी कभी मेन नहीं होगी, अगर मेन होगी तो फिर वहां पे आपको VPH कॉइल लगा मिलेगा, और वहां पे कोई MOSFET के थ्रू फास्ट चार्जिंग करा करके उसको बैटरी के कनेक्टर पे वोल्टेज दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी कैपेसिटिव चार्जिंग ऐसी, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे कैपेसिटर्स लग के हैं, कोई भी कॉइल नहीं है, और यहाँ से VBUS का वोल्टेज तो यहाँ से इन हो रहा है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो VBAT हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमारा कॉइल नजर नहीं आ रहा होगा आपको, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फ्लाइंग कैप्स लग के हैं, IC टू IC कनेक्टेड है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्लाइंग कैप, यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे 6, 7, 8, 9 कैपेसिटर्स यहाँ पे लग के, मतलब यहाँ पे 6 कैपेसिटर फ्लाइंग कैप है, और ये 3 तो VBAT की लाइन में यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो हमारी IC दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको एक कॉइल नजर आ रहा होगा, इसको हम इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टर बोलते हैं या तो कॉइल बोलते हैं। और ये जो सर्किट है VBUS का 5 वोल्ट इन होने के बाद, यहाँ पे PMID के कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्या काम है क्लास में आपको बताऊंगा कि ये कैपेसिटर क्यों यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए लगाया गया है, क्योंकि 5 वोल्ट इन तो हुआ है ऑलरेडी, एक कैपेसिटर के बाद ये इन होता है, यहाँ पे फिल्टर करा दिया गया था, बट यहाँ पे एक कैप लगाने की क्या जरूरत है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये फिल्ट्रेशन क्या चीज़ फिल्टर करता है, मैं क्लास में आपको बताऊंगा। USB MID मिड टर्म वोल्टेज बोलते हैं इसको,
इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बूट कैप लगा हुआ है जिसको हम BTST कैप या चार्ज बूट के नाम से जानते हैं या बूट कैप के नाम से जानते हैं। 27 नैनो फराड का होता है। यहाँ पे आपको दोनों साइड अगर आप चेक करोगे DSO से तो यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी, जैसे मैं अभी लाइव बताऊंगा आपको। उसके बाद कॉयल यहाँ पे लग के जो कि बक कॉयल हमारा VPH का वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको फ्रिक्वेंसी मिलती है, एक साइड स्विचिंग मिलती है, दूसरे साइड आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इंडक्टिव सर्किट। इसको हम और अच्छे से समझने के लिए आगे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और सर्किट है, इस तरह का भी एक सर्किट आपको देखने मिलेगा। ये इंडक्टिव सर्किट के साथ एक यहाँ पे MOSFET का इस्तेमाल किया गया है, एन चैनल, जहां पे आपको फास्ट चार्जिंग के लिए, टर्बो चार्जिंग के लिए एक और MOSFET का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ड्रेन पे भी आपको VPH वोल्टेज मिलेगा और गेट पे भी VPH वोल्टेज ही मिलेगा। और अगर इसमें खासियत यह है कि सोर्स में भी आपको जो देखेंगे आप, ये VBAT के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे इस तरह से इसको चार्जिंग कराई जाती है ताकि एम्पियर को बढ़ा करके। और अगर इस तरह का भी अगर सिंगल MOSFET नहीं मिलेगा तो इस तरह के चार चार MOSFET वाला सर्किट मिलेगा आपको, जैसे मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया था पहले, अगर नहीं देखा तो देखिए। VPH कॉयल तो होगा यहाँ पर, ये इंडक्टिव सर्किट ही है, बट यहाँ पर टर्बो चार्जिंग ऐसी ना यूज करके यहाँ पे MOSFET का इस्तेमाल किया गया है फास्ट चार्जिंग के लिए, या टर्बो चार्जिंग या क्विक चार्जिंग आप बोल सकते हैं। इस तरह का भी एक चार्जिंग सर्किट मिलेगा। जितने भी टाइप के सर्किट्स आ रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही MOSFETs यहाँ पे भी है, एक पिन पर इसकी ग्राउंड है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी MOSFET का इस्तेमाल किया गया है। ये VBUS की लाइन में लगे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक MOSFET है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की एक बड़ी सी आपको IC देखने मिलेगी। थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की 1 2 3 4 पिन यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ से 1 2 3 3 पिन इधर से कनेक्टेड है, मतलब 7 पिन टोटली इसमें कनेक्टेड है जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चार्जिंग IC जो कि ब्यूकी लेग वाली IC है 24 लेग का, इसमें ये वोल्टेज हमारा इन हो जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप सर्किट देख रहे हैं सेकेंडरी IC हमारी SMB के नाम से आती है, SMB के नाम से, जो कि सेकेंडरी चार्जिंग ऐसी है, टर्बो चार्जिंग क्विक चार्जिंग बोलते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव तो है बट ये जो वोल्टेज है फ्रेंड्स आपका VPH में बना के भेज रही है। यहाँ पे एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, अगर सेकेंडरी चार्जिंग ऐसी जब भी वोल्टेज आउटपुट करेगी तो VPH पे भी भेज सकती है या फिर VBAT पे भी भेज सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि VPH में ही वो बना करके भेजेगी जो हमारा टर्बो चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए वोल्टेज होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। VBAT पे भी भेज सकती है या VPH में भी भेज सकती है। यहाँ पे जो बता रहे हैं ये लोग, ये VPH में, ये हमारी SMB IC जो इंडक्टिव के बाद, जो कॉयल के बाद जो वोल्टेज बन रहा है वापस ये IC में इन होगा और बैट FET के थ्रू ड्राइव होकर के VPH में आ रहा है यहाँ पर। तो इसी को हम यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए आपके लिए एक डायग्राम भी बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप जैसे ही 5 वोल्ट इन करेंगे तो USB 5 वोल्ट इन के नाम से ये IC में तो जाएगा जाएगा, VBUS सेंस के नाम से यहाँ पे एक और गोला सेंसिंग के लिए नीचे दिया जाएगा यही वोल्टेज फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे आपको PMID के कैपेसिटर पे आपको चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करोगे तो 5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको बूट कैपेसिटर एक मिलेगा चार्ज बूट या BTST के नाम से, यहाँ पे चेक करोगे आप 8 वोल्ट मिलेंगे और दूसरे साइड चेक करोगे 4 वोल्ट मिलेंगे, और दोनों साइड अगर आप चेक करोगे तो फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद यहाँ से फ्रिक्वेंसी वापस IC में इन होती है, ताकि यहाँ पे कितने स्पीड से ये स्विचिंग हो रही है, IC को फीडबैक पिन यहाँ से मिलती है, यहाँ पे 8 वोल्ट मिलते हैं। तो कॉयल के VPH कॉयल के पास में अगर आप देखोगे तो A1 साइड जो IC के साइड है वहां पे स्विचिंग होगी, तो मैं अभी DSO से लाइव बताऊंगा आपको। उसके बाद यही वोल्टेज VPH का वोल्टेज जनरेट होकर के यहाँ से देख सकते हैं अदर सेक्शन में, यानी लोड पर पावर को जाता है, लाइट AC को जाता है, ग्राफिक में जाता है, काफी सारे सेक्शन में ये वोल्टेज इन होता है, उन सेक्शंस के लिए ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होता है। ये हम लाइव क्लास में सारी चीज प्रैक्टिकली चेक करके बताते हैं, इसको पूरा सेक्शन होता है VPH सर्किट के ऊपर। उसके बाद यही वोल्टेज वापस से IC में इन हो जाता है, तो यहाँ पे IC के अंदर DC to DC में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर BAT FET के नाम से, यानी बैटरी का ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जिसके ड्रेन पर यहाँ पे आपके VPH का वोल्टेज इनपुट दिया जाता है और इसके सोर्स से वोल्टेज आउटपुट कब होगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉलकम में कुछ अलग तरीके से काम होता है और हमारे MTK में कुछ अलग तरीके से काम होता है। जैसे आपका होस्ट चेंज होता जाएगा तो सर्किट चेंज होता जाएगा। इसमें तो मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ, तो इसमें कैसे वोल्टेज बैटरी के निकलते हैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलकम चिपसेट है। अभी के मोबाइल में क्वालकॉम में आप जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका VPH का वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे चार्ज आउट के नाम से नहीं आएगा,
मतलब बैटरी पे वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको चार्जिंग के लिए। तो होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी आईडी के नाम से एक वोल्टेज इसके इसके गेट पे दिया जाता है। जब इसका गेट ओपन होता है तब जाकर के इसके सोर्स से ये वोल्टेज बैटरी पर आता है, और बीच में आपको एक सेंस रजिस्टर मिलेगा जहां से बैटरी के करंट को सेंस कराया जाता है, आई सेंस और बैड सेंस के नाम से, या करंट सेंस पॉजिटिव करंट सेंस नेगेटिव के नाम से। यहां से दोनों साइड अगर आप देखोगे, ये रजिस्टर आपको कभी वी बैट लाइन में मिलेगा, कभी ग्राउंड की लाइन के साथ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ये सेंस रजिस्टर होता है, अभी के मोबाइल में 0.001 मिली ओम्स, इतना ओम्स का आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत कम वैल्यू के ये रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.001 ओम्स का ये एक रजिस्टर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ से भी दो लाइनें निकलती हैं आई सेंस और बैड सेंस के नाम से, वो बैटरी के अंदर के करंट को सेंस करने के लिए होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को सेंस करती है, और वो सीपीयू तक इंफॉर्मेशन पहुँचाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आईडी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, तभी ये जो वीपीएस का वोल्टेज आया था हमारा आईडी कनेक्ट होने के बाद, यहाँ से ये वीबैट का वोल्टेज यहाँ पर चार्ज आउट के नाम से बैटरी में आता है और बैटरी हमारी चार्ज होती है। इसके अलावा फ्रेंड, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, डीएम और डीपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है फेक चार्जिंग में, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, फास्ट चार्जर आपने लगाया है या लैपटॉप के साथ आपने कनेक्ट किया है, इन्हीं दो लाइनों से आईसी को पता चलता है। अगर आपको देखना है कि डीएम डीपी की लाइन कैसे काम करती है, डीएसओ से भी हम चेक कर सकते हैं, वोल्टेजेस भी हम चेक कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लाइन एक और है फ्रेंड, यूएसबी आईडी के नाम से। अगर आप लेटेस्ट मॉडल में देखोगे तो यहाँ पे आपको CC1 CC2 के नाम से देखने मिलेगी, टाइप सी, यूएसबी टाइप सी में अगर आप देखोगे तो दो लाइनें होती हैं यहाँ पर, CC1 और CC2 कैसे काम करता है, ये सारी चीज एक एक चीज को लाइव चेकिंग के साथ डायग्राम के थ्रू ड्रॉ के साथ क्लास में यहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लाइन होती है हमारी यूएसबी आईडी की लाइन के नीचे, आपने कनेक्ट किया क्या है, लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, कितना एम्पियर ले रही है चार्जर से, या फिर आपने चार्जर लगाया, फास्ट चार्जर लगाया, टर्बो चार्जर लगाया, 5500 मिली एम्पियर का चार्जर लगाया, 750 मिली एम्पियर का चार्जर लगाया, 1 एम्पियर का आपने लगाया है, या 2 एम्पियर का आपने चार्जर लगाया है, या 3 या 3.5 एम्पियर का आपने चार्जर लगाया है, यहीं से ओटीजी की लाइन से, जो हमारी CC1 CC2 आईडी लाइन है, इसी लाइन से वो हमको पता चलता है। तो इसमें फ्रेंड्स, नीचे आपने कनेक्ट क्या किया है, इसी लाइन से ये पता चलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस लाइन में अगर आपका चार्जिंग का स्टेटस होता है, जो INT के नाम से एक 1.8 की लाइन होती है, ये आपका चार्जिंग का लोगो शो करता है, उसका स्टेटस शो करता है डिस्प्ले पर। इसके अलावा SPMI क्लॉक और SPMI डाटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो DSO से आपको यहाँ पे सिग्नल देखने मिलेंगे। सिग्नल कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए, इस टॉपिक पर भी हम आगे जाकर के वीडियो बनाएंगे। हालांकि क्लास में ये सारी चीज स्टूडेंट को बताई जाती है, इसीलिए हमारे पास 3-3 दिन लग जाते हैं एक चार्जिंग सेक्शन को समझने के लिए। बाकी यूट्यूब पे देखेंगे, या नजदीक में आप किसी सस्ते इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो आपको बताएगा नहीं, बोलेगा सीधा चार्जिंग पिन डाल, चार्जिंग ऐसी बदल, पत्ता बदल दे, चार्जिंग पिन बदल दे, या ये आप थिनर से साफ कर दे, काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो एक एक लाइनों की नॉलेज है, यह आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मास्टर्स, एक अच्छे टेक्नीशियन, एक अच्छा टीचर ही बता सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, हम जो स्टूडेंट के मोबाइल लाइव क्लास में जितने भी मोबाइल रिपेयर होते हैं, स्टूडेंट्स के ही मोबाइल होते हैं, हमारे पास कोई कुरियर नहीं आते हैं, हमारे पास कहीं से हमारा मोबाइल नहीं होता है। जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हमारा कोई मोबाइल यहाँ पे नहीं होता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है फोनफिक्स हैदराबाद, जहाँ पे जितना भी हम काम करके स्टूडेंट को दिखाते हैं, लाइव स्टूडेंट से लेकर के, ऐसा नहीं कि पहले ले लिए, दो दिन चार दिन पहले ले लिए, उसको चेक करके रख लिए, उसके बाद रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है कि पहले से हैंडसेट ले रहे हैं, बोर्ड स्वाइपिंग कर दे रहे हैं, या फॉल्ट छोटा था तो उसको रिपेयर करके बड़ा करके बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चल रहा है। बट फोनफिक्स हैदराबाद में आपको देखेंगे कि लाइव आपसे सेट लेंगे, तभी जो सेक्शन होगा लाइव रिपेयर करके बताते हैं। स्टूडेंट इतने सारे सेट लाते हैं, उन्हीं के सेट यहाँ पे रिपेयर होते हैं, पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो SPMI लॉजिक, SPMI क्लॉक और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
अदरवाइज आपका चार्जिंग एसी काम नहीं करेगा, तो ये भी आपको चेक करना है। यहाँ पे डीओएसओ से कैसे चेक करना है मैं अभी बताऊंगा वो भी आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे रेगुलेटेड एन के नाम से एक एलडीओ वोल्टेज होता है, इंटरनल एक एलडीओ होता है आईसी के अंदर, तो वो एलडीओ क्या काम करता है, कब वर्क करता है, कितना वोल्टेज आना है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, 5 वोल्ट के आसपास। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा वो भी हम आगे बताएंगे, क्लास में बताते हैं सारी चीज। तो ये सारा चीज हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि बैटरी थर्मल लाइन भी जो होती है, कभी आपकी पावर एसी में जाती है तो पावर में कौन से होस्ट के साथ जाती है, कौन सा चिपसेट में जाती है, अगर डीसी टू डीसी में जाती है तो कौन सा सीपीयू होना चाहिए, कौन सा होस्ट होना चाहिए, कौन सा चिपसेट होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर में किधर जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। सब में कितना वोल्टेज आता है, कब आता है, लाइनों में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लाइन ओपन होने पर क्या फॉल्ट होगा, शॉर्ट होने पर क्या काम होगा, ये सारा चीज हम स्टूडेंट को क्लास में बताते हैं। चार्जिंग सेक्शन में फ्रेंड बहुत सारे फॉल्ट आते हैं आपके पास, बंद कंडीशन में चार्जिंग होगा, आप ऑन करेंगे तो चार्जिंग का परसेंटेज या लोगो शो नहीं करेगा, फेक चार्जिंग होगा, रिवर्स चार्जिंग होती है आपकी, बैटरी एरर्स, टेम्परेचर एरर, थर्मल एरर के आपके सेंसिंग एरर्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिबग बोर्ड का एरर आ जाता है, आपका रिवर्स चार्जिंग होता है या चार्जिंग बढ़ती नहीं है, वहीं पर रहती है, तो ऐसे बहुत सारे एरर्स इसमें आते हैं। तो वो कैसे जानना है एक एक चीज को हम क्लास में लाइव बताते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो फोनफिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे हम डालते रहते हैं, इससे सीखिए जितना आपको सीखने मिला। बट आधी अधूरी नॉलेज जो होती है फ्रेंड्स, हम पहले से ही बता दिए थे कि आधी अधूरी जो नॉलेज होती है बहुत खतरनाक होती है। आजकल जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं सब आधी अधूरी नॉलेज दे रहे हैं, और इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं आप तभी भी आधी अधूरी नॉलेज दे रहे हैं, यही कारण है कि वहां के बच्चे हैदराबाद में फोनफिक्स में काफी, हर बैच में 1 से 2 बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट के आपको यहां पे देखने मिलेंगे। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, सभी के बच्चे हमारे पास आकर गए। यहां नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और दुबई में, अभी नेक्स्ट बैच में आप देखेंगे तो अरब कंट्री के स्टूडेंट यहां पर आ रहे हैं, बाहर के बच्चे यहां पर आकर काम सीख रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहली बात, लिमिटेड सीटें होती है यहाँ पे, ज्यादा हम यहाँ पे क्राउड नहीं करते, 60-60, 70-70 बच्चों को यहाँ पे बिठा नहीं रहे, एक टीचर 50 स्टूडेंट को देख रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप काम सीख नहीं पाएंगे। मतलब सोचिए आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं 50-60 बच्चे हैं, तो कितनों पे आपके टीचर आप पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड ओनली 20 स्टूडेंट ही होते हैं, आपको जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, 1 साल तक आप दोबारा कभी भी वापस आ सकते हैं, आकर के बैठ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। तो इस चीज में फ्रेंड्स मैं आपको अभी फिलहाल यहां पे आपको बता दूंगा कि बूट कैप पे फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्वाइल के पास कैसी फ्रीक्वेंसी बनती है, एसपीएमआई लॉजिक डाटा के पास क्या आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, अभी बता देते हैं इतनी सारी चीजें। और पूरा देखिए डीएसओ में मैं आपको बता रहा हूं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और वीडियो स्किप मत करिए, पूरा देखिए। तो चलिए मैं बढ़ता हूं अभी स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड सबसे पहले यहां पे मैं चार्जर लगा रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज बता देता हूं, हमारा 5 वोल्ट यहां पे इन होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक चार्जिंग एसी है मीडियाटेक का 6C71P, तो 5 वोल्ट तो इन हो रहा है। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है, ये हमारा एक कॉइल होगा, यहाँ पे 2 कॉइल लगकर है, तो हमको VPS का जो कॉइल होगा वहां पे आपको एक बूट कैप मिलेगा, जहां पे आप वन साइड देख रहे हैं 4 वोल्ट मिल रहा है, और अगर अदर साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमको 8 वोल्टेज मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 8 वोल्ट मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस कॉइल पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी हमको वही हमारे VPH के 4 वोल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सही से टच करने के लिए एक ब्लेड ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक 4 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा VPH वोल्टेज बन रहा है VBUS इसको मिलने के बाद, बट इसमें और बहुत सारी लाइनें होती हैं आपकी, CC1 CC2 तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें तो अभी फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल USB ID की लाइन हो गई, तो यहाँ पे USB ID की लाइन हो गई, या फिर आपकी SPMI क्लॉक डाटा कहाँ पे है, तो इसमें I2C क्लॉक डाटा यूज किया गया है इसमें SPMI के अलावा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेक करके बता देता हूँ, और इस IC से VBAT यहाँ से निकल करके बैटरी कनेक्टर पे जाता है, तो ये है इसका बैटरी कनेक्टर। तो VBAT के भी वोल्टेज आपको चेक कर लेने हैं इस तरह से कि VBAT बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये MTK चिपसेट है, तो यहाँ तो विदाउट ID कनेक्ट किए, हालांकि ID की लाइन इसकी ये वाली है जहाँ पे 1.7 आ रहा है,
और थर्मल की लाइन देखेंगे आप तो ये वाली थर्मल लाइन है और ये वाली इसकी वीबैट की लाइन है। विदाउट बैटरी इसमें क्योंकि बन रहा है क्योंकि ये एमटीके चिपसेट है, और अगर क्वालकॉम होता तो यहाँ पे आपको वोल्टेज बिल्कुल नहीं मिलेंगे जब तक आप आईडी की लाइन कनेक्ट नहीं करते। बट इसमें फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, लास्ट यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी बता देता हूँ डीएसओ के साथ। तो डीएसओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीएसओ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉइल के पास चेक कर लेते हैं और हमारे बीटीएसटी कैप के पास चेक कर लेते हैं कि किस तरह की फ्रिक्वेंसी बन रही है। तो यहाँ पे आपको इस साइड में अगर बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विचिंग किस तरह से हो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो एक बार फिर से कनेक्ट करके बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है आपके बीटीएसटी कैप पे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा 4 वोल्ट की लाइन, और अगर हम दूसरे साइड देखेंगे तो यहाँ पे 8 वोल्ट की जो लाइन है यहाँ पे भी आपको फ्रिक्वेंसी मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, शायद दिख रहा होगा आपको। तो मैं इस साइड से कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको फ्रिक्वेंसी मिलनी चाहिए। सॉरी, तो यहाँ पे कॉइल पे भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये तो कैपेसिटर जो है ऑलरेडी यहाँ पे कॉइल के साथ कनेक्ट ही है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है। हालांकि इस कॉइल के एक साइड में आपको ये इसी के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा साइड भी इसी के साथ कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको स्विचिंग मिलनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो I2C क्लॉक डाटा की यहाँ पे इसमें कोई कंपोनेंट नहीं दिया है, अदरवाइज मैं आपको क्लॉक डाटा भी इसका चेक करके बताता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉइल और ये आपका बूट कैप के पास आप वोल्टेजेस चेक कर लीजिए, और इसके अलावा यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी चेक करिए कि बन रही कि नहीं बन रही, ये बनने के बाद ये स्विचिंग कितनी स्पीड से हो रही है, इस साइड से वापस IC में जा करके फीडबैक बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो मैं इसमें सिर्फ आपको बूट कैप और VPH बक कॉइल ये इस किस तरह से चेक करना है बता रहा हूँ, इसमें अलग चार्जिंग में बहुत कुछ और भी चेक करना है। तो फ्रेंड जैसा आपने देखा जितना बन पाया मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि इंडक्टिव में और कैपेसिटिव में डिफरेंस क्या है, फ्रिक्वेंसी आपको कहाँ पे चेक करनी है। हालांकि बहुत सारी लाइनें हैं, आईडी लाइन, थर्मल लाइन, CC1, CC2, USB आईडी लाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी चेक करने की, चार्जिंग में DM DP की सप्लाई है, तो इसमें बहुत कुछ होता है, करंट सेंस, नेगेटिव पॉजिटिव, फ्यूल गेज सेक्शन क्या है और चार्जिंग का IF सेक्शन क्या है, बहुत कुछ अभी बताना है इसमें। अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो आप फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर इतनी सारी चीज़ें पता थी तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर आपको इतना नहीं पता था तब भी आप नीचे कमेंट करिए, और ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अभी देखिए जा करके बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा काम आपसे प्रैक्टिकली करवाएंगे, आपके हाथ से CPU डलवाते हैं 4 दिन के अंदर, 4G का CPU आप इजीली डाल सकते हैं, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डुअल डेकर के भी बोर्ड्स देते हैं यहाँ पर। 27 जुलाई से हमारा बैच है, अगर एक आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है, खुद के हाथ से काम करना है, IC का डाटा शीट कैसे बनाना है, NC और OL वॉल में फर्क क्या है, ऑयल होता है तो भी वो कोई रीडिंग बताता नहीं है मल्टीमीटर में, NC में भी नहीं बताता है, तो दोनों में फर्क कैसे जानना है, ये सारी चीज आपको सीखनी है। एक IC का डाटा शीट कैसे बनाना है, बहुत सारे कंपोनेंट्स IC के पास में लगे होते हैं उनका काम क्या है, जिसको हम रेफरेंस कंपोनेंट बोलते हैं, तो उसका काम क्या है, हम सारा चीज क्लास में बताते हैं IC कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, बेसिक से लेके सुपर एडवांस लेवल तक, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ हैंड स्किल का काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 7 घंटे 8 घंटे आप हैंड स्किल का काम करते हैं तब जाकर के आप एक किसी भी ऑन मोबाइल पे काम करने से बिल्कुल डरते नहीं। यहाँ के जो स्टूडेंट है ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड और डुअल डेकर सबसे ज्यादा फोनफिक्स हैदराबाद के स्टूडेंट बनाते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट में देखेंगे आप टीचर सिर्फ काम करके बताएंगे, लेकिन फोनफिक्स हैदराबाद एक वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे सारे स्टूडेंट डेली काम करते हैं, उन्हीं के पोस्ट हमारे स्टेटस पे, हमारे फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी में जाकर देखिए और हमारे शॉर्ट्स वीडियोस पे जाके देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स में जाइए, बहुत सारा हमारा कंटेंट है क्लास में जो लाइव पढ़ाते हैं, अगर आपको कुछ सीखने मिला तो वहां से भी सीखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक करिए, शेयर करिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं बताइए,
कोशिश करते हैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आने की। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए फोन फिक्स हैदराबाद को, ऐसे ही सपोर्ट करिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। टू फोन फिक्स हैदराबाद, जैसा कि देख सकते हैं 27 जून का बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट से, बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सोहेल शेख है जी, महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से कहाँ से है आप? महाराष्ट्र में पुणे से आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए आकर कितने दिन हो रहा? सर यहाँ पे आके आज मुझे 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। 8 दिन में आप क्या क्या काम कर लिए? सर पहले तो रिबॉलिंग का परफेक्ट हो गया, और बाद में सीपीयू रिबॉलिंग, उसके बाद ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रिबॉलिंग, और लाइट आईसी, वाइट पेस्टेड सेक्शन, ये सब कंप्लीट हो गया। ये सब कंप्लीट हो गया। और अच्छा ये बताइए, आपका जो सुबह में क्लास चल रहा, फेरो सर का जो क्लास चल रहा, वो कैसा है आपको? सर फेरो सर का जो टेक्निक है बताने का, थ्योरी का जो मतलब वे उनका बताने का, वो सीधा डायरेक्टली मतलब से हो जाता है दिमाग में, मतलब अच्छा। तरीका उनका बताने का जो है उससे पूरा ठीक से नॉलेज उनका नहीं है, मिल जाता है अपने। जी मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं आपसे? नहीं सर ऐसा नहीं, पूरा मतलब जो भी डाउट हो गया उनको पूछेंगे तो वो डिटेल में आपको वो डाउट पे बता देंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बता दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पूरा डिटेल में वो लाइन कहाँ से जा रही है, क्यों आ रही है, कहाँ क्या काम है, उसका सब बता रहे हैं, सब बता रहे। अच्छा ये बताइए, जो सुबह में आपको फेरो सर का क्लास चल रहा, उसमें आप क्या क्या करें, कुछ बता सकते हैं आप अपनी बुक में से? उसमें अभी फिलहाल तो लाइट सेक्शन का हो गया सबसे। अच्छा ये लाइट सेक्शन का है, और क्या बना है बताइए? सर ये अपना लाइट सेक्शन का है, उसमें नो बॉल का लाइट सेक्शन आता है जी। ये कौन सा है? लाइट सेक्शन का ये पूरा। अच्छा ये ग्राफिक सेक्शन का है सर जी। तो ये बनाना कैसा आया आपको ये? सर ये सर ने सुबह ही हमसे बनवा लिया। अच्छा उन्होंने हमको बताया कहाँ से लाइन आता है और हमको ही बनाने बोला, तो कहाँ से लाइन आता है, ग्राफिक में कौन सी लाइन आती है, वो हमको तो पता चल गया, तो हमने इजीली डायग्राम बना लिया। इजीली देख के आप आराम से बना लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं आप फिल वक्त, जो देख सकता हूँ सामने लैपटॉप है आपके? सर अभी कल तो ग्राफिक सेक्शन हुआ था जी, तो उसके बाद टेस्ट सेक्शन हो गया सर जी, तो उसी के बारे में सर ने बताया था, और प्रैक्टिकल भी हो गया जी, तो प्रैक्टिकल के बाद सर वो डायग्राम में बना रहा। अच्छा कौन सा है ये जो डायग्राम बना रहे हैं आप अभी, वो कौन सा डायग्राम है? रेडमी नोट 7 प्रो का डायग्राम है सर ये, रेडमी नोट 7 प्रो का डायग्राम है। हाँ का जो टच सेक्शन है उसके बारे में डायग्राम सब देख के, सब जो पता है वो सब डायग्राम में खुद से बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर ऑल ओवर इंडिया से कोई फोन फिक्स हैदराबाद आना चाह रहे तो उनको क्या बोलेंगे? ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर यहाँ पे, आपको मतलब डीप नॉलेज चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको हैंड स्किल भी इम्प्रूव करने हैं, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। अच्छा सागर सर की ट्रिक कैसी है? सर ट्रिक तो इजी है, फिर सर का थ्योरी इजी है एकदम, जो सिखाते हैं वो सब याद रहता है, तो याद रहने के बाद प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। प्रैक्टिकल के लिए सागर सर की जो ट्रिक्स है, वो थ्योरी जो नॉलेज अपने को आया है, वो हैंड स्किल भी सागर सर से इम्प्रूव हो रहा है उनके ट्रिक्स से जो है इजी बता रहे। एक फ़ोन बनाने में जैसा कि अगर आपको पावर सेक्शन का पावर शॉट फ़ोन आया, तो उसको कितने स्टेप में चेक करना है सर बताते आपको? yes, स्टेप्स कितने हैं वो बता दीजिए, स्टेप कौन से चेक करना है वो मत बताइए। पहले तो उसका जीआर चेक करना है। स्टेप कितने हैं सर? 2-3 4 है या 3 है, कितने स्टेप में बता रहे सर? 3 स्टेप में सर बता रहे। 3 स्टेप में, ऐसा तो नहीं कि हम लोग आपको पैसे दे के पूछ रहे, आपके दिल से बोल रहे ना आप, सही है गलत है? हाँ ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।